जब घर पर कोई नहीं रहता था तो मेरी सौतेली माँ अपने नौकर को अपने कमरे में बुला लेती थी। मम्मी और नौकर दोनों एक साथ कमरे में लगभग एक घंटे तक अकेले रहते थे। यह बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। एक दिन जब मेरी सौतेली माँ कमरे से बाहर आई तो मैंने उनसे कहा, मम्मी यह आप गलत कर रही हो। सौतेली माँ बोली, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, तुम और नौकर दोनों एक साथ कमरे में जो रंग रलियाँ मनाते हो मुझे सब पता है। अगर यह बात पापा को पता चल गई तो वह आपको घर से निकाल देंगे। मम्मी बोली, इसमें गलत क्या है? जब तुम्हारे पापा का ठीक से काम नहीं करता तो जिसके साथ मेरा मन करेगा मैं उसके साथ करूँगी, और वैसे भी ऐसा करने में मुझे को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। मैंने कहा, मम्मी तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन अगर यह बात बाबा को पता चल जाएगा तो बहुत गलत होगा। भाई लोग, मैं जानता था कि आखिर मेरी सौतेली माँ नौकर के साथ अकेले कमरे में दरवाज़ा बंद करके ऐसा कौन सा काम करती है जिसे करने में उनको गर्व महसूस होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मम्मी और नौकर कमरे के अंदर गए तो उनके थोड़ी देर बाद में बगल वाली खिड़की से झाँक कर अंदर देखने लगा कि आखिर यह दोनों कमरे में क्या करते हैं। भाई लोग, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमारा नौकर सरसों का तेल लेकर मम्मी के साथ थोड़ी देर बाद जब मम्मी बाहर आई, वह काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, मम्मी सच में आप बहुत अच्छा काम करती हो। मम्मी बोली, तुमने कहाँ देखा? मैंने कहा, मम्मी जब तुम और नौकर सरसों का तेल लगा रहे थे तब उसी समय मैंने खिड़की से झाँक कर अंदर देख लिया था। मैंने कहा, मम्मी अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी गैंग में शामिल हो जाऊं, तो उस और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जब मैं और नौकर दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मम्मी बोली, यह तो और भी अच्छी बात है। अगले दिन हम तीनों एक साथ कमरे में गए। नौकर बहुत तेज़ कर रहा था। इतने दिनों से मम्मी के साथ करके नौकर काफ़ी फास्ट हो गया था। भाई लोग, मेरा नाम नील है, मैं 19 साल का हूँ। मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं और मैं भी उन्हीं के साथ इनके घर पर रहता हूँ। भाई लोग, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। पहले मैं गांव में रहता था अपने मम्मी के पास। एक दिन मेरे पापा का फ़ोन आया। वह कह रहे थे, नील तुम कहाँ, एक महीने के लिए हमारे पास आ जाओ दिल्ली। मैंने कहा, क्यों पापा, क्या हुआ? पापा ने कहा, मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है, अब हमें जाना पड़ेगा, और मेरे जाने के बाद तुम्हारी सौतेली माँ घर पर अकेली पड़ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं कल सुबह आ जाऊँगा। भाई लोग, मैं अपने आपसे बताना भूल गया कि मेरे पापा ने दो शादियाँ की थी। पहली मेरी मम्मी थी जो गांव में रहती थी, और दूसरी मेरी सौतेली माँ जो दिल्ली की थी। मेरे पापा पुलिस की नौकरी करते थे। अगले दिन मैं पापा के घर पहुँच गया, मेरी सौतेली माँ मिली। मैंने कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वह बोली, तुम्हारे पापा सुबह ही दूसरे शहर निकल गए। भाई लोग, मैं अपनी सौतेली माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि मेरे पापा ने यहीं दिल्ली से ही लव मैरिज किया था। आज मैं पहली बार अपनी सौतेली माँ को देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो मेरी सौतेली माँ बहुत खूबसूरत है। मेरे पापा ने घर के काम काज के लिए एक नौकर भी रखा था। एक दिन मैंने देखा नौकर मम्मी के कमरे से बाहर आ रहा था। मैंने सोचा पापा ने नौकर को सर पर चढ़ा रखा है, किसी भी कमरे में आता जाता। उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी सौतेली माँ भी उसी के पीछे पीछे बाहर आ रही थी। यह देखकर मैं शॉक रह गया। सौतेली माँ और नौकर आपस में खूब मजाक मस्ती करते थे। मैंने परंतु पापा को फ़ोन किया और कहा, अच्छा पापा जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इस नौकर का क्या ज़रूरत है? पापा बोले, क्या हुआ नील, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा, पापा वो नौकर मम्मी से हमेशा चिपका क्यों रहता है? यहाँ तक कि वह मम्मी के साथ उनके रूम में भी चला जाता है। पापा ने कहा, वह तुम्हारी मम्मी के मायके में रहता था। जब मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करके यहाँ ला रहा था तो वह भी हमारे साथ आ गया था। वो सीधा आदमी है, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा, ठीक है पापा, और फ़ोन रख दिया। एक दिन मम्मी मुझसे बोली, नील नौकर मार्केट जा रहा है, तुम भी उसी के साथ चले जाओ, थोड़ा सामान लाना है। मैं भी नौकर के साथ चला गया। उसने 10 किलो गाजर और 10 किलो आम लिया। फिर हम वापस घर आ गए। मेरी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी सारी गाजर और इतने सारे आम का क्या काम?
तो मम्मी बोली, अभी नहीं, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मैं भी अपनी सौतेली माँ के आगे पीछे घूमने लगा। मुझे धीरे धीरे यहाँ 1-2 महीना होने वाले थे। मैं सुबह सोकर उठा, मैंने देखा नौकर और मेरी सौतेली माँ दोनों आपस में कुछ बातें कर रही हैं। मैं दीवार के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। नौकर बोल रहा था, मैडम इस बार सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब और भी अच्छा लगेगा। वो बड़ी अजीब सी बात कर रहा था। अब मुझे अपनी सौतेली माँ के ऊपर शक होने लगा था कि कहीं मेरी सौतेली माँ इस नौकर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे बाज़ार से कुछ सामान लाने को भेज दिया। मैं सामान लेकर आ गया, मैंने देखा मम्मी घर में नहीं थी और नौकर भी गायब था। जब मैं उन्हें खोजते हुए पीछे वाले कमरे के पास पहुंचा, तो मैंने खिड़की से झाँक कर अंदर देखा तो मम्मी और नौकर कमरे के अंदर थे। वह दोनों ढेर सारे आम और गाजर काट रहे थे। मम्मी दरवाज़ा खोली, मैं अंदर आया। मैंने कहा, मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी बोली, हम लोग आम और गाजर का अचार बनाते हैं और यह नौकर उसे बाज़ार में बेचकर मुझे पैसे लाकर देता है। मैंने कहा, वाह मम्मी, यह तो बहुत सही दिमाग लगाया आपने। अगर मैं भी आप दोनों के साथ मिलकर करूं और जल्दी काम होगा। फिर मैं भी अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर उनकी हेल्प करने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, जो देखने में कैसी होती हैं लेकिन लास्ट में कुछ और होता है। तो ये सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, बाकी और कोई पर्पस नहीं होता। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को इग्नोर ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।